द क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी टोटल रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डाटा है लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी दैट इज एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एंड टोटल रेज टू द पावर एक्स। और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि इन केस अगर आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो बराबर है 4 के। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी फॉर द गिवन कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन में ये जो लिमिट आपको जिस फंक्शन की लिमिट आपको निकालनी है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं इसको लिखने जा रहा हूं एक्स माइनस सी प्लस 2c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी टोटल रेज टू द पावर एक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 की ओर अप्रोच करती है। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इसके बाद ये बनेगा 1 + k 2c ओवर एक्स माइनस सी टोटल रेज टू द पावर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपका ठीक कर देता हूं कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई फंक्शन है विच इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए दैट इज 1 + fx 1 + fx टोटल रेज टू द पावर जी एक्स। अगर ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है तो इसकी लिमिट होती है ई रेज टू द पावर लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स के। तो सबसे पहले तो आपको इसे समझना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पहचानना है। फॉर्मेट होना चाहिए 1 + fx टोटल की पावर जी एक्स। और केवल फॉर्मेट कंपलसरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मेट अगर है तो वो सफिशियंट हो जाएगा। साथ में दो रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स टेंडिंग टू ए पे ये जो एफ एक्स है ना ये आपका सबसे पहले 0 की ओर अप्रोच करना चाहिए, और ये जो पावर में फंक्शन है ना जी एक्स ये आपका अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी की ओर। मीन्स अगर आपके पास इस टाइप का कोई मैथमेटिकल फॉर्मेट है जिसकी आप टेंडिंग टू ए पे लिमिट निकालने जा रहे हैं एफ एक्स गिविन लिमिट पे जो एफ एक्स है वो 0 की ओर अप्रोच करे और ये जो पावर है ये अगर इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है तो आप इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर आप चेक करें तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये जो फंक्शन है ये आपका अप्रोच करेगा 0 की ओर, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट क्वांटिटी है और डिनोमेटर में आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी पे अगर आप कमेंट करें तो ये डाटा 0 की ओर अप्रोच करता है। पावर को अगर आप चेक करेंगे तो पावर आपकी अप्रोच करती है इंफिनिटी की ओर। मीन्स मैं इसे अगले स्टेप में लिख सकता हूं क्योंकि मेरा सारा डाटा मैच कर रहा है, फॉर्मेट मैच कर रहा है, लिमिट आपकी मैच कर रही है, मतलब फंक्शन आपका टेंडिंग टू 0 है और पावर आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी है। मींस आप इसे लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर लिमिट ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और ये बनेगा 2c ओवर एक्स माइनस सी इंटू एक्स के। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा आपको दे रखा है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो बेसिकली 4 के बराबर है। चलिए अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास है 2c x और नीचे से मैंने x कॉमन ले लिया। जैसे आप x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 - c/x। आप देख सकते हैं कि x से x आपका कैंसिल हो जा रहा है और टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट पे ये क्वांटिटी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 0 में, क्योंकि c/x फिर से वही आइडिया है फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी। सो डेट विल गोज टुवर्ड 0। मीन्स ये कन्वर्ट हो जाता है ई रेस टू द पावर 2c में और ये क्वांटिटी आपको दे रखी है 4 के इक्वल। पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है वो है द वैल्यू ऑफ सी। तो अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 2c इज योर ln 4। 2c को आप ln 4 लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं सी पे कमेंट करूं तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 × 2 ln 2। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ सी इज ln 2 एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।